और एक लंबी सांस लेकर एक पल के लिए सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके आसपास कई लोग हैं, लेकिन आप उनमें से किसी को भी नहीं जानते हैं। आपके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, आज वह दिन है जब आप एक जंग में विजय होने के लिए जा रहे हैं और दुनिया आपकी ओर देख रही है। आज आपकी सालों की मेहनत की परीक्षा है, परीक्षा है आपके धैर्य की और परीक्षा है आपके आने वाले भविष्य की। आपको किसी योद्धा वाली फील आ रही है, वो योद्धा जिस पर सैकड़ों निगाहें टिकी हैं और जिसके अच्छे प्रदर्शन के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मगर युद्ध की ही तरह असली जंग में वही परफॉर्म कर सकता है जिसने इसके लिए खूब अभ्यास किया हो। ठीक ऐसे ही बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाने के लिए जितना जरूरी पढ़ाई करना है, उतना ही जरूरी एग्जाम हॉल में परीक्षा देते समय अपने पढ़ाई का इस्तेमाल करना भी है। अब सवाल यह आता है कि इस सफलता के लिए सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट, विशिष्ट मानसिक एकाग्रता तथा उच्च दिमागी सक्रियता कैसे संभव हो। इन बातों को जानना बेहद जरूरी है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तब आपके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही होती हैं, जिससे आप परीक्षा के समय काफी परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब आप परीक्षा हॉल में बैठे तो अपने दिमाग को शांत रखें। आपके आसपास जो भी भीड़ है उसे नजरअंदाज कर दें और बस खुद पर ही फोकस करें। जैसे युद्ध के दौरान कई सैनिक आप पर हमला करेंगे और आपको हर हमले के लिए खुद को तैयार रखना है। प्रश्न पत्र मिलने के बाद ही प्रश्न हल करना शुरू ना करें, बल्कि पूरे पेपर को अच्छे से देखकर उसे समझने की कोशिश करें। अर्थात किस टॉपिक से कितना पूछा गया है और कितना टफ है, कितना आसान, ये देखें। इससे आपका माइंड युद्ध की तैयारी में सामने वाली सेना की ताकत को समझ पाएगा। अगर आपने इस जंग के लिए खूब प्रैक्टिस की है तो यह स्टेप आपको स्वतः फायदा पहुंचाएंगे। परीक्षार्थियों को 72 सेकंड के अंदर ही इन विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर उनके लिए उत्तर पत्रक में सही गोले को काला करना होता है। ऐसे में प्रश्न के गलत होने पर खतरा तो होता ही है, साथ ही कठिन विकल्पों के कारण प्रश्नों को हल करने में ज्यादा समय भी लगता है। इसके चलते काफी दफा छात्र पूरा पेपर तक नहीं पढ़ पाते। यानी बीपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति इतनी गहरी और विकल्प इतने जटिल होते हैं कि अंत में समय प्रबंधन खुद एक चुनौती बन जाता है। इस चुनौती से निपटने का एक तरीका यह है कि सर्वप्रथम वही प्रश्न हल कीजिए जो परीक्षार्थी के ज्ञान की सीमा के दायरे में हो। जिन प्रश्नों के उत्तर पता ना हो या जिन पर उधेड़बुन हो, उन्हें निशान लगाकर छोड़ देने चाहिए और अगर अंत में समय बचे तो उनका उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। जब उम्मीदवार किसी प्रश्न के चारों विकल्पों में से किसी एक के बारे में जानता हो लेकिन शेष तीन विकल्पों के बारे में उसे कोई जानकारी ना हो, तो कैलकुलेटिव रिस्क के आधार पर उसे ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे परीक्षार्थियों को अंकों के मामले में अंततः फायदा ही होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को बाकी प्रश्न करने के बाद बचे हुए समय में हल करना क्रेडिटेबल होगा। प्रश्नों को हल करने की टेक्निक में छात्रों को हमेशा प्रश्न की प्रकृति समझते हुए आसान प्रश्न से जटिल प्रश्न की ओर क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्हें जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर नहीं आते हो, उन्हें निष्कासन विधि यानी एलिमिनेट पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कासन विधि के तहत चारों विकल्पों में से जिसके गलत होने की संभावना सर्वाधिक हो, उसे छांटते हुए धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुँचना होता है। यह विधि बहुत कारगर है, इसलिए परीक्षा देते समय इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पर लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।